स्नेक वेनम केस में ईडी ने सिंगर फाजिलपुरिया से पूछे क्या क्या सवाल। एल्विश यादव से जुड़ा है मामला। प्रवर्तन निदेशालय ने मशहूर यूट्यूबर एवं बिग बॉस ओटीटी 2 के विजेता एल्विश यादव से जुड़े केस में हरियाणा के रहने वाले मशहूर सिंगर राहुल यादव उर्फ फाजिलपुरिया से सोमवार को करीब 10 घंटे तक पूछताछ की। ये पूछताछ ईडी के लखनऊ जोनल कार्यालय में हुई। फाजिलपुरिया ने अपने एक गाने में सांपों का गैर कानूनी इस्तेमाल किया था। जननायक जनता पार्टी के टिकट पर गुरुग्राम से लोकसभा चुनाव लड़ चुके राहुल फाजिलपुरिया को एल्विश यादव का करीबी दोस्त माना जाता है। इस मामले में ईडी की जल्द ही एल्विश यादव से भी पूछताछ करने की तैयारी है। ईडी को शक है कि सिंगर फाजिलपुरिया को उनके गाने के लिए सांप एल्विश यादव ने ही मुहैया कराए थे। सूत्रों के अनुसार ईडी ने एल्विश यादव के साथ साथ फाजिलपुरिया के भी बैंक खातों और लग्जरी गाड़ियों का ब्यौरा जुटाया है। फाजिलपुरिया से उसकी कमाई के स्रोत और सांपों की तस्करी के बारे में सवाल पूछे गए। हालांकि फाजिलपुरिया अब एल्विश से अपना संबंध होने से इनकार करते हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान भी एल्विश द्वारा मदद न किए जाने की बात कही थी। गौरतलब है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी की संस्था पीपुल्स फॉर एनिमल्स के पदाधिकारी गौरव गुप्ता ने नवंबर 2023 में एल्विश यादव पर सांपों की तस्करी का आरोप लगाते हुए नोएडा के सेक्टर 49 थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने इस मामले में संस्था के पदाधिकारियों के सहयोग से 4 सपोरों समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। बाद में इस मामले में एल्विश यादव को भी गिरफ्तार किया गया। एल्विश यादव द्वारा कथित तौर पर आयोजित रेव पार्टियों में सांपों के जहर के इस्तेमाल की जांच के सिलसिले में नोएडा पुलिस ने 17 मार्च को एल्विश को गिरफ्तार किया था। नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव के खिलाफ एनडीपीसी एक्ट, वन्यजीव संरक्षण एक्ट और आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामले दर्ज किए थे। इस मामले में एल्विश कई दिनों तक जेल में भी रहे थे। अब सभी आरोपों पर जमानत पर बाहर। बता दें कि सिंगर फाजिलपुरिया और एल्विश यादव का साल 2023 में एक गाना लॉन्च हुआ था। इसमें दुर्लभ प्रजाति के सांपों का इस्तेमाल किया गया था। इस पर आपत्ति जताते हुए पीएफए ने गुरुग्राम पुलिस को शिकायत दी थी। पुलिस ने आरोपियों पर कार्रवाई नहीं की तो संस्था ने एल्विश यादव फाजिलपुरिया सहित अन्य पर मामला दर्ज करवाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। तो इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी तमाम और खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी।